मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस अलग अलग मोर्चों पर विरोधी को शिकस्त देने की तैयारी कर रही है। इन अलग अलग तैयारियों में एक है प्लान 66। क्या है प्लान 66? कैसे कांग्रेस विरोधी को घेरेगी प्लान 66 के जरिए, आइए आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं, जिसमें से 66 सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछले 5 या उससे भी ज्यादा समय से बीजेपी का कब्जा रहा है। इन सीटों को बीजेपी के अभेद किले के तौर पर भी जाना जाता है। कांग्रेस अब बीजेपी के इस अभेद किले में सेंध लगाने की कोशिश में है और इसकी जिम्मेदारी सौंपी है मध्य प्रदेश में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह को। सूत्रों के अनुसार प्लान 66 को लेकर बाकायदा कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठक में चर्चा भी हुई। कांग्रेस का कहना है कि पहले बीजेपी की गिनती 66 के बाद शुरू होती थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस की स्पेशल 66 की तैयारियों में बीजेपी दिग्विजय सिंह की कुटिल चालों को देख रही है। बीजेपी का मानना है कि दिग्विजय अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए अब कांग्रेस के लिए हारी हुई सीटों पर जोर लगा रहे हैं, ताकि वहां अपने लोगों को टिकट दिलवा सके। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को जिम्मेदारी दी है या दिग्विजय सिंह जी ने जिम्मेदारी ली है, क्योंकि मीडिया के सामने तो उन्होंने यही कहा कि मैंने जिम्मेदारी ली है, तो जो जीती हुई सीटें हैं उसमें श्रीमान दिग्विजय सिंह जी के अपने गुट के लोग कितने हैं, और अब इन 66 सीटों पर भी जुगाड़ में दिग्विजय सिंह जी अपने गुट के प्रत्याशी बनाने के हैं, ताकि बेटा जेबी सिंह जी को आगे अगुवाई करने का, नेता प्रतिपक्ष बनाने का मौका या पीसीसी अध्यक्ष बनाने का मौका दिलवा सके। प्लान 66 को लेकर कांग्रेस ने अपने चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इन सीटों पर मंडलम, सेक्टर और वीएलए के साथ संगठन की फौज तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पन्ना प्रभारी की तर्ज पर कांग्रेस ने सुपर 66 पन्ना सैनिकों की भी नियुक्ति की है। इसके साथ ही इन सीटों पर उम्मीदवारों के खोजने का और पैनल बनाने का भी काम अंतिम दौर में पहुंच चुका है, ताकि चुनावी तैयारियों को वक्त मिल सके। प्लान 66 को लेकर कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस की तैयारियों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।